इंदौर शहर के भवरकुआ इलाके के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एक घर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पंडित जगदीश वैष्णव के घर 5 से 6 बदमाश घुस आए, उनके पास हथियार भी थे। इसके बाद उन्होंने घर में रखे 1.5 लाख रुपए कैश समेट लिया और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने बंदूक दिखाकर घर में मौजूद पंडित जगदीश की पत्नी भावना, बेटी श्वेता और नेहा व 2 नौकरानियों को बंधक बना लिया था। घर में मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों ने सबसे पहले पंडित जगदीश वैष्णव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पंडित जी का देहांत तो हो चुका है, इसके बाद भी वे घर में घुसने लगे। इस पर घर के लोगों ने आपत्ति जताई तो एक बदमाश ने बंदूक निकाल कर दिखाई और कहने लगा, पैसा कहाँ रखा है बताओ। बाकी बदमाशों ने भी चाकू निकाल लिया। इसके बाद वे अंदर आ गए और अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए ले लिए। बदमाश परिवार वालों से कहने लगे और पैसा कहाँ है, जिस पर उन्होंने बताया कि अब घर में पैसा नहीं है। बदमाशों ने सभी के हाथ बांध दिए और फिर बाहर निकलते समय एक लड़की से कहा कि जब हम चले जाए तभी दरवाजा खोलना। इसके बाद वे भाग गए। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.